और उसमें हमारे साथ मनीषा मिश्रा जी हैं, परफॉर्म की है और आपका भाई उसमें परफॉर्म किया है फुल रॉक। तो आप जाइए और देखिए। अब तो गाइस कुणाल लांसर भाई इस वाले जिम में आते हैं। जिम ये है कुणाल लांसर भाई का घर, ये देखिए दो मंजिला का बना हुआ। तो गाइस अभी मैं हूँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के साहबगंज में और यहाँ पर जो है हमारे भोजपुरी एक्टर बोलें, टिकटॉकर बोलें, इंस्टाग्रामर बोलें, डांसर बोलें, है ना, कुणाल डांसर भाई के पास अभी जाने वाला हूँ। वो साहबगंज में ही रहते हैं। तो अभी ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड करिएगा, मतलब एंड तक देखिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। चले मैं यहाँ से 500 मीटर दूरी पर उनका घर है, तो मैं चल रहा हूँ आपको दिखाते हुए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो चलिए मैं आपको रास्ते का व्यू दिखाता हूँ और मैं हूँ साहबगंज मुजफ्फरनगर बिहार में। तो गाइस ये वाला रास्ता गया है भाई कुणाल लांसर के घर की तरफ और ये देखिए हम इधर इस चौक से आए हुए थे, आगे वो चौक है वहाँ से और समथिंग 500 मीटर दूर जाना है मुझे यहाँ से। अभी ना सभी के सभी हम लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि हम दो तीन बंदे हैं तो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये देखिए भाई साहब, ये भैया जो है कुछ, तो गाइस देखा मैंने आपको बताया था सभी लोग हमको ही देख रहे हैं, तो कुछ मतलब अलग गलत सोचते हैं कि किस चीज़ के आप वीडियो शूट कर रहे हो, है ना। तो ये देखिए हम आगे आ गए और यहीं पे आ चुके, भैया पूछ रहे हैं अनुज इसी गली में। भैया कुणाल कुणाल डांसर का इधर ही घर है जी, इधर ही आइए गली में जाइए। अच्छा अच्छा, मिल लेते हैं, मिल लेते हैं सभी से। चलिए देखते हैं भाई। अच्छा इस जिम, अच्छा इस जिम में चलिए देख लेते हैं पहले घर। टाइम हुआ है अभी 8:15, 9 बजे आते हैं जिम करने। अच्छा तो अभी तो घर ही पे होंगे फिर। तो चलिए हम इस साइड में चलते हैं, अनुज भी जा रहा है। इस पतले से रास्ते से हम होते हुए जाएंगे। तो गाइस ये देखिए रास्तों में हम आ गए, पतले पतले से रास्तों में। तो भाई 9 बजे जिम आते हैं, जिम भी मैंने आपको दिखाया थोड़ा बहुत, हम अंदर चलते हुए जा रहे हैं। गाइस ये है कुणाल लांसर भाई का घर, ये वाला सामने कुणाल भाई का घर, फ़ोन करो यार। ये है कुणाल लांसर भाई का घर, ये देखिए दो मंजिला का बना हुआ, काफ़ी बड़ा घर बना हुआ ये आप देख सकते हो। अभी भाई कॉल कर रहे हैं भाई को, बाहर नल लगा हुआ। इधर से हम आए हुए थे इस साइड से और इधर ये रास्ता गया है और ये देखिए बड़ा सा गेट लगा हुआ है, नल भी है, ये घर है भाई। अच्छा स्टेज शो हुआ था, स्टेज शो हुआ था, मेला का गाना था। अच्छा मेला का गाना, वाला गाना आड़ा में दोबारा मेला में। अच्छा अच्छा, भैया जी गए थे के सारी जी के साथ गाना अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी हम खड़े हैं कुणाल लांसर भाई के घर के सामने और ये भैया जी यहाँ पे और ये है भैया जी का घर। देखिए कितना बड़ा घर बना हुआ, पीछे तक वहाँ तक है भाई घर। तो गाइस अभी लखनऊ से चलते चलते हम फाइनली आ चुके हैं साहबगंज, और साहबगंज में हमारे एक इंस्टाग्रामर हैं, पॉपुलर मॉडल हैं और डांसर भी हैं और एक्टर भी हैं कुणाल लांसर भाई। तो अभी मैं उनसे भाई से मिलने वाला हूँ, भाई फिलहाल तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, चलिए अभी भाई से मिलवाता हूँ। तो ये देखिए भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो भाई। हेलो जी, आ जाते हैं, आ जाते हैं, भी आ जाते हैं। बढ़िया जी, आप कैसे हैं भाई? मैं तो बढ़िया हूँ एकदम। और बताइए भाई क्या हाल चाल है? एकदम बस, आप सब अच्छे हैं? तो आपका भाई भी बहुत स्वस्थ है, मस्त एकदम। तो भैया इस समय क्या कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल शूट वूट चल रहा है हमारा, प्रोजेक्ट कुछ है और कुछ कर लिए हैं जो रिलीज भी हुआ है। अच्छा, जानलेबू का सॉन्ग, हाँ सॉन्ग रिलीज हुआ है जो कि भाई मेरे हमारे विवेक राव भाई गाए हैं और उसमें हमारे साथ मनीषा मिश्रा जी हैं, परफॉर्म की है और आपका भाई उसमें परफॉर्म किया है फुल रॉक। तो आप जाइए और देखिए। आपकी सेकंड मूवी कौन सी आने वाली है? अभी सेकंड मूवी की चल रही है शूटिंग, वो कंफर्म आप सबके बीच हम जब भी कंफर्मेशन हो जाएगा तो अपडेट भी देंगे और लाइव आके एंड हर चीज से अपडेट देंगे ही। फिलहाल आ रहा है मूवी, वूवी शूटिंग चल रहा है फिलहाल, अभी जब भी हो जाएगा तो आप सबके बीच। तो जैसा कि आपको पता है भाई जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी जगह पे एक्टिव है ना भाई? हाँ, तो OTT प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सब जगह एक्टिव है फिलहाल, YouTube पे भी हम लगातार हम चैकिंग कर रहे हैं। हमारे लिए क्या करना चाहेंगे भाई? ये ऐसा काम करता जाना है लोग की
सच में मतलब बड़ा प्रभावित करे वाला काम है, क्योंकि अब आप घर से बाहर निकलिएगा तो 3 दिन मने ना लगे तारा, घर छोड़ के जल्दी क्यों ना निकलेगा, और ये लोग भाई लोग घर छोड़ कर निकल रहे हैं और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप सबका, हम यही चाहते हैं, हमारा मोटिव यही है कि हर किसी के पास पैसा नहीं होता और पूरा भारत भ्रमण करना चाहते हैं, तो हम अपने वीडियो थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि आप भी जो है बिना विदाउट लिफ्ट ले लेके, मतलब फ्री फ्री में ना, जैसे लिफ्ट ले लेके कोई भी अगर रास्ते से जा रहे हैं जहाँ तक जा रहे हैं आप वहाँ तक बैठा लीजिए, हम वहाँ से दूसरा लिफ्ट पकड़ के आगे। वाह वाह बहुत बढ़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इस काम में ना पेशेंस बहुत जरूरी होता है। अभी कल हम लोग आए थे तो एक डेढ़ घंटे हम लोग नेशनल हाईवे 27 पे खड़े होकर धूप में खड़े हैं। एकदम भाई, वो जाहिर सी बात है, एकदम तो हर कोई तो लिफ्ट देता नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही ना, अगर इस काम में पेशेंस बहुत जरूरी है, अगर पेशेंस नहीं है तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। भाई लोगों के पास पेशेंस है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो भाई आपसे मिलकर मुझे बहुत, अरे अरे मुझे बहुत, बहुत ही अच्छा लगा और आपकी डांस मुझे बहुत ही पसंद है। फिलहाल तो मुझे डांस तो आती नहीं, डांस को करने का सोचते अनुज से, कहते हैं अनुज सिखा दो, तो मतलब कि डांस कर ही नहीं आती नहीं चलते। तो भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देख रहे हैं तो जाइए उस गाने, वो गाना है एचपी म्यूजिक भोजपुरी पे रिलीज हुआ है, जाइए आप सब ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दिखाइए। बिल्कुल, मैं स्क्रीन पे नाम लिखा एचपी म्यूजिक करके, हाँ एचपी म्यूजिक भोजपुरी भोजपुरी जान लेबू का रिलीज हुआ है, अभी वीडियो रिलीज हुआ है, डांस वीडियो खतरनाक वीडियो है, आप जाइए और खूब देखिए। मैं भी शेयर करूंगा भैया, मैं भी देखूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइज, फाइनली मैं आपको बता दूं कि अभी हमने आपको इस वीडियो में कुणाल लांसर भाई का घर, जिम और उनसे मिलवाया भी, तो बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बात भी की और वीडियो भी शूट करवाए साथ में, और प्लस कह रहे थे कि आप लोग खाना खाए कि नहीं खाए, नहीं खाए तो चलिए घर पे खाना खा लीजिए, तो खाने के लिए भी उन्होंने कहा, तो बट हमें हिचहाइकिंग करके और दूर जाना था, अभी काफ़ी दूर चलना है मुझे, तो इस वजह से हम कहें भाई साहब हमने खाना खा लिए और हमें निकलना भी है, तो भैया ने कहा ठीक है, तो उन्होंने बेस्ट ऑफ लक बोला है इस यात्रा को। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो अभी हमारे मित्रगढ़ भी पीछे हैं, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक लेके आई जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।